इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत एक 45 वर्षीय आरोपी पति द्वारा पति के घर वालों को जख्मी करने का मामला सामने आया है। पूरी घटना कुछ इस प्रकार है कि फिरियादी निकिता अग्रवाल की बुआ का उनके पति से 17 साल की शादी के बाद तलाक होने वाला था, लेकिन अचानक शुक्रवार को आरोपी पति ललित बाथरी फिरियादी के घर पर आ धमका और फिरियादी से गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद फिरियादी ने जब जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो फरियादी की बुआ और उसकी चाची सामने आई। तब आरोपी ने फरियादी की चाची और फिरियादी को कैंची से हमला कर जख्मी कर दिया। इस संदर्भ में इमामवाड़ा पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। साथ ही इसकी अधिक जानकारी इमामवाड़ा पुलिस थाने की पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख ने दी। इसका मैटर ऐसा है कि जो कंप्लेनेंट है उनकी बुआ है और उनके बुआ का और उनके पति का डिवोर्स मैटर फाइल है कोर्ट में पहले से 1.5 साल से, और जो पति है वो विभक्त रहते हैं, वो यहाँ पे नहीं रहते हैं। तकरारदार की बुआ और बाकी फैमिली के साथ में वो लोग यहाँ पे रहते हैं। घटना के वारदात के वक्त वो जो पति है वो कुछ संशय में कि ये तकरारदार की बुआ का किसी के साथ में बाहर कुछ मैटर चल रहा है, ये संशय में रात को वो घर में आया और उसने घर की चीज़ें तोड़फोड़ करना चालू कर दिया, और उसमें घर वालों ने तकरारदार के घर वालों ने उनको रोकने की जब कोशिश की तब उसने हाथ में उसके जो कैंची थी उससे तकरारदार को और तकरारदार की चाची को घायल किया, जिसमें उन लोगों को चोटें आई हैं।